पर 2009 अप्रैल 18 में ऐसे नाटक हुआ था ओडिशा में, और मेरा नाटक का रीजन था जिसने मेरे पाटक के तो बाद में पसंद था और वो चाहता था मुझे जबरदस्ती, और जब तमाम कोशिश किया वो मुझे पाने की, मेरे घर वालों को समझाया, जब नाकाम रहा, मेरे साथ बदतमीज किया, उसके जब उसको इग्नोर किया गया तो बहुत मतलब बहुत डांट खानी पड़ी उसको। उसके बाद उसने बोला था कि तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी के भी होने नहीं दूंगी, तो इसलिए वो उसने रिवेंज लेना स्टार्ट किया। तो मैं 2009 की बात है अप्रैल के टाइम, उसने मैं साइको से रिटर्न कर रही थी कॉलेज से, तो उसने पीछे में आकर मेरे पर एसिड अटैक कर दिया था। एसिड अटैक के होने के बाद एक लड़की की फैमिली में एक लड़की को वो क्या बेटा इसको कुछ रियलाइज नहीं हो रहा था। तो जब हमारे कैंपेन ने स्टार्ट किया, फिर सिरोजिंगढ़ कैफे स्टार्ट किया, सिरोजिंगढ़ कैफे इस मुद्दे पे स्टार्ट हुआ कि हम अवेयरनेस को ज्यादा क्रिएट करेंगे, क्योंकि लोगों को पता चले कितना दर्द हम झेलते हैं, अवेयरनेस इस वजह से हम क्रिएट करना चाहते थे, सोच बदलना चाहते थे। सरोज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब सरोज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत सारे मुझे बहुत सारे सपोर्टर मिले मेरी लाइफ में, बहुत लक मुझे मानते मैं बहुत लकी गर्ल्स हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते, हमारी टीम, मेरे जो भाई है जो बहुत सारे सपोर्ट करते, मेरी फैमिली मेंबर, और सरोज मुझे हर मोमेंट हर पल में उन्होंने सपोर्ट किया, इसलिए हम दोनों ने भी डिसाइड किया कि साथ रहना जितना जरूरी है, साथ में साथ देना उतना, हर मोमेंट में हर पल में हर झूठ हर सच्चाई में साथ देना उतना जरूरी है। तो फर्स्ट टाइम तो सफर नहीं कर रही थी, अभी भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्यों ना उनको समझाना पड़ा, नहीं हमें ये बाद में जब एक्सीडेंट में अच्छे लड़की से शादी कर लिया ठीक है, उसके बाद जो ये एक्सीडेंट होता तब आप क्या कहते, सपोर्ट करेंगे ना उसको छोड़ देंगे, ऐसे कुछ बात करके उनको समझो, क्यों ना वो सोसाइटी उनको पूरा खराब कर देती है, पूरा माइंड जिसे बोलते हैं नेगेटिव कर लेते हैं, इसलिए वो बहुत नेगेटिव हो जाए, उनको पॉजिटिव करके उनका माइंड जैसे फ्रेश करना पड़ता है। घर वाले तैयार हो गए, मान गए? हाँ अभी थोड़ा थोड़ा सब मान गए, अभी थोड़ा मैंने 70% अभी राजी है।